नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 14 जिसका की नाम है स्वर्ण नगरी की सैर के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें कि आपने मेरे साथ जैसलमेर नगरी की सैर की थी, जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। बच्चों, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस पाठ में दिए गए भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस पाठ में किले को दुर्ग भी कहा गया है, आप भी निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि पाठ में किले शब्द की जगह कहीं जगह दुर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी बच्चों, हम एक शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो कि उसके समान ही अर्थ देता है, वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर ये चार शब्द हैं, इन चार शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, हम इसे ऐसे हल करेंगे। पाषाण, पाषाण को हम पत्थर और पाहन भी कहते हैं, ये पाषाण के पर्यायवाची हैं। देखिए, तालाब, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं सरोवर और तड़ाग। बगीचा, बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं उपवन और उद्यान। मंदिर, मंदिर के पर्यायवाची हैं देवालय और देवस्थान। बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द तो मैंने लिखे हैं, अगर आपको और कोई पर्यायवाची शब्द इनके याद आ रहे हैं तो आप वह भी इनमें लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, पाठ में आए हुए मुहावरों की सूची बनाइए। बच्चों, आपने पाठ बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, पाठ में कई जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे क्या करते हैं, मुहावरे हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, उसमें एक रोचकता पैदा करते हैं। तो पाठ में कई जगह मुहावरे आए हैं, हमें उन्हें छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, मैंने कौन कौन से मुहावरे छांटे हैं। पहले आया था दांतों तले उंगली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, मेल नहीं खाना, सौंदर्य बिखेरना, यादें ताज़ा करना, जीवन दुर्लभ बनाना, सीना गर्व से फूल जाना। बच्चों, ये सारे के सारे मुहावरे आपकी पाठ में दिए गए थे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।